आप थोड़ा हौसला करो प्लीज प्लीज थोड़ा। इस तरीके से ये महिला देखती हुई क्या हुआ है और लड़की है जितेंद्र और ये परिवार के करीब एक सदस्य यहाँ से वो बताया जा रहा है कि किस तरह से बदहवास संभालने की कोशिश परिजन पहुंचे हैं यहां पर। जैसे ही उन्हें सूचना मिली हादसे की तो दो लोग चार जो लोग जिसका जिसकी शादी करीब एक माह पहले हुई थी और उसकी बहन की एक महीना पहले हुई थी जो अब फिलहाल कंफर्म हो जाएगा जैसे ही शासकीय नागरिक पहुंचा दी गई। सीधी वाली तस्वीरें इस वक्त महापूर्व हुई थी पानीपत से ससुराल से जीजा चलता है साथ में साले को लेता है कुछ अन्य रिश्तेदारों को लेकर निकलते हैं और यहां पहुंचते ठीक ठाक था लेकिन असंद के गांव सालून के पास एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है। इसका कसम मजबूर है कोई बड़ा हुआ थोड़ा ये मत रहा कर देना टाइम है पानी पात पी ले पानी पात पी लो थोड़ी पिला परिवार के सदस्य पहुंचे हैं जैसे ही सूचना मिली थी हादसे की और इस हादसे में जो दो लोगों की मौत बताई जा रही है अनुमान लगाया जा रहा है कि एक शख्स जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे इन्हीं के परिवार में से है और असंध पुलिस भी मौके पर पहुंची है इस घटनास्थल की जांच करने के लिए किस तरह से हुआ हादसा क्या वजह रही हादसे की। एकदम से बड़ा बम पट गया जैसे इस तरह से आवाज आई तो ये दबा गाड़ी का टायर पट गया ट्रक का टायर पट गया तो आके देखा तो एकदम बड़ा भयानक हादसा था। फाड़ा गया ऊपर से जेसीबी के लिए गाड़ी को पाड़ के और तब बंदे निकाले गए। हाँ जेसीबी के लिए दो बंदों की मौके पे मौत दो बंदे मौके पे खत्म हो गए थे जी। हालत बहुत गंभीर थी दो बच रहे हैं वो भी बचने के कोई आसार नहीं है। जो पीछे बैठे थे नहीं इसमें लेडीज नहीं थी लेडीज बाइक पर थी बाइक वाला गिरा है उसकी टांग खत्म है लेकिन लेडीज को कुछ नहीं लगा लेडीज ठीक है। हाँ हाँ वो भी गिरा है ये लगभग 10 बजे के लगभग की घटना। हाँ सुबह 10 बजे बेहद ही दर्दनाक हादसा असंध के गांव सालून के पास हुआ है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो जानकारी मिली है दो लोगों की इस मौके पर ही मौत हो चुकी है और बताएगा कि गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे दो लोग पीछे से उन्हें जेसीबी मशीन की सहायता से इस छत को फाड़ा गया और फिर उन्हें निकाला गया है। अंदाजा लगा रहा है कि जो दो लोग हैं उनकी हालत भी बेहद गंभीर है। फाड़ा गया है और फिर इनको निकाला गया है। लाइव ये तस्वीरें बने रहे जुड़ रहे असंध अंचल हरियाणा यहाँ पहुँचते पहुँचते एक भीषण हादसे में वो ट्रक जिसे आप देख पा रहे हैं लोडेड है हैवी ड्यूटी व्हीकल जिसके अंदर रेत लोड है और बेहद ही दर्दनाक हादसा है दोस्तों। जो इस हादसे के अंदर घायल हुए थे उन्हें जेसीबी मशीन के द्वारा इस छत को फाड़ा गया और फिर निकाला है और उनकी हालत भी बेहद गंभीर बनी हुई है। दो तो मौके पे बोली देखिए ये है वो वाहन ट्रक जिसके साथ ये हादसा हुआ है। बताया गया कि जो ये गाड़ी है ये असंध से पानीपत की साइड जा रही थी और जो ये ट्रक है ये पानीपत से असंध की साइड आ रहा था। वजह क्या रही फिलहाल इस बारे में कुछ कह नहीं सकते आखिर किस वजह से हादसा हुआ है लेकिन हादसा इतना दर्दनाक है जिसने भी देखा वो दहल गया। जेसीबी मशीन की मदद से
जो गाड़ी है उसकी छत को फाड़ा गया और फिर उन दो लोगों को बाहर निकाला गया जो गाड़ी के अंदर ही फंसे हुए थे। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और सबका पोस्टमार्टम असंद के सामान्य अस्पताल में फिलहाल जारी है। और जो जानकारी हमें मिली है, जो दो लोग गंभीर थे उन्हें करनाल के लिए रेफर कर दिया गया है। जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं सभी देखकर हैरान हैं। हादसा ही इतना ज़बरदस्त था कि जो लोग पास में थे उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई गाड़ी का टायर फटा हो, और जब वो पास में आए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी और ट्रक के बीच ये टक्कर हुई है। और फिर लोगों ने बड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें निकाला। हालांकि दो लोगों को तो लोग भी नहीं निकाल पाए जो यहाँ से आ रहे थे या देख रहे थे। तब JCB बुलाई गई और उसकी मदद से उन्हें निकाला। हॉस्पिटल में है, संत हॉस्पिटल में बताया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम के लिए जिन लोगों की मौत हो चुकी, किन लोगों की मौत हुई है ये बता सकते हैं? ये नहीं पता, जब मैं तो मौके पे भी बंदे नहीं दिखे, अभी पता नहीं है। लेकिन कुल चार लोगों में से दो लोगों की मौत हो चुकी है ऐसा दो में तीन बता रहे हैं जी। एक ही हॉस्पिटल ने भेजा कल्पना चावला में जी। तीन की होगी, तीन बता रहे हैं जी, बताया जा रहा है कि दो तो आगे बैठे थे, जैसा मौके पे आगे बैठे थे जैसे साला। आपका क्या, आपकी जानकार है इनके बारे में? ये तो गांव के होंगे जी। तो खेत में काम कर रहे थे। तो ये हादसा किस समय पेश आया होगा? कुछ ये 9:30 के लगभग की बात। अच्छा, 9:30 के लगभग, 9:30 की कुछ सामान जो वहां से देखिए, जैसे ही परिजनों को पता चला वो यहां पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए सीधी एक्सीडेंट है, लेकिन इस तरीके से ये महिला देखती हुई क्या हुआ है, और लड़की है जितेंद्र और ये परिवार के सदस्य यहाँ से वो बताया जा रहा है कि किस तरह से बदहवास संभालने की कोशिश परिजन पहुंचे हैं यहाँ पर। जैसे ही उन्हें सूचना मिली हादसे की तो दो लोग, चार जो लोग जिसका जिसकी शादी करीब एक माह पहले हुई थी, और उसकी बहन की एक महीना पहले हुई थी, वो अब फिलहाल कंफर्म हो जाएगा जैसी शासकीय नागरिक अस्पताल पहुंचा दी गई। सीधी पहले तस्वीरें इस वक्त महापूर्व हुई थी, पानीपत से ससुराल से जीजा चलता है, साथ में साले को लेता है, कुछ अन्य रिश्तेदारों को लेकर निकलते हैं, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 9:30 ये भीषण हादसा पेश आता है। ये वो ट्रक है जिसके साथ टक्कर होती है, और आज जान पाए हैं जो थोड़ी बहुत जानकारी मिल पा रही है। बहुत ही दर्दनाक हादसा जिसकी सीधी वाली तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। इधर हो जाइए जी, कह सकते हैं सिंदरा कह सकते हैं या डिटेल कह सकते हैं या मैप कह सकते हैं, वो तैयार किया जा रहा है। और सुबह निकलते हैं पानीपत से, जीजा साला और दो अन्य रिश्तेदार यहाँ पर किसी रिश्तेदार को मिलने पहुँचते हैं, और रिश्तेदार के यहाँ पहुँचने से पहले ही ये दर्दनाक हादसा हो जाता है जहाँ की सीधी वाली तस्वीरें आप तक पहुँच रही है। और कोशिश करेंगे इनसे बातचीत हो कि अब तक क्या जानकारी निकल कर आ रही है। देखो मेरे को पता लगा था, कंट्रोल रूम से फ़ोन आ था भाई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया अपना ये हेरिटेज स्कूल के पास में। ये फैक्ट्री अमन जी की फैक्ट्री बताई जा रही है, ये किस चीज़ की फैक्ट्री बन रही है? अच्छा खाली है, वैसे दीवार बना रखी है। हाँ वही वहाँ जो है ना बड़ा रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। इस बना सूचना पाकर हम यहाँ मौके पर आए थे, हमने देखा पता लगा भाई एक मौके पर ही एक की डेथ हो चुकी है, उसको एम्बुलेंस में रखवा कर हमने सिविल अस्पताल में असंद भिजवा दिया था। उसके बाद हम मौके पर आए, गाड़ी से में जो है ना जो गाड़ी चला रहा था लड़का वो बिल्कुल इसमें फंसा हुआ था, उसको हमने JCB बुलाई, उससे निकलवा करके उसको भी हमने असंद हॉस्पिटल में भिजवा दिया उसको। तो दो है की बताई जा रही है दो जी। क्या
क्या कुछ है सर, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे घटना घटी, किसकी गलती थी या कोई ड्रिंक? नहीं, कोई नहीं, इसका एक्सीडेंट हुआ है। मैम ये बताया जा रहा है ट्रक काला तो आ रहा था अपना बड़ा साइड से। हाँ जी, और ये गाड़ी आ रही थी इधर असन साइड से, असन साइड आगे इनकी मोटरसाइकिल जा रही थी यार। मैं हमारे सूचना पाई, जैसे बताया मौके पर आदमी करे थे। अभी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट, मैंने मौके पर देखा जो चलानी लगी हुई है, इन्हें मौका देखा आकर। हमारे पुलिस कंट्रोल में जो फोन आया था, भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मौके पर जाइए। ये सूचना पाकर हम मौके पाए थे। कितने लोग डेथ? दो की बताई जा रही है जी। दो? हाँ जी, जी। लेकिन अभी कोई कह रहा था कि दो ने रास्ते में भी दम तोड़ दिया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया जा रहा है। दो की हमने सूचना मिली, दो की मौके पे हॉस्पिटल में मौत होगी। एक के तो यहाँ होगी थी। हाँ जी। और दूसरे की भी यहीं होगी थी। हाँ। क्योंकि हमने यहाँ से निकाल लिया उसको, एक डेड बॉडी। वो जेसीबी रहने वाले थे सर, ये पानीपत के बताए जा रहे हैं। पानीपत के? और ट्रक वाले कहाँ का? ट्रक वाला गांव फफड़ाना का बताया जा रहा है। फफड़ाने का? और बाइक थी, बाइक सवार को तो कुछ? बाइक सवार को सर, उसको टैंक पर एक पैर पर चोट लगी हुई है, अभी जाके पता करेंगे उसको। कैसल का बता दो, आपके वार्डिंग में गलती किसकी थी? ट्रक वाले की थी, गाड़ी वाले की थी, या बाइक बीच में आ गई, दोनों का माइंड में? बीच तो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो अभी पता करेंगे, वो एक लड़का बच रहा हुआ है। हाँ। है अभी हालत। अच्छा। उसकी कुछ सुधरी हुई है, ठीक है। किराए की गाड़ी थी सर? टैक्सी कर रहे हैं भाई, पीली जो पीली जो प्लेट होती है वो टैक्सी की बताई जाती है। जी जी, देखिए हां जी, दमाद है मेरे लिए, दो दमाद है, हमारे दो बेटे हैं। तो अभी एक्सीडेंट का पता लगा था? हमें तो एक्सीडेंट का ही पता चला, हम तो इसलिए आए हैं। अभी तक ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं। पता नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। हमें तो कुछ ही नहीं पता ही नहीं कि जो पानी कब से आप लोग? हाँ जी हाँ जी, पानी कब से? हाँ जी, अभी चार साल हुए हैं, तीन चार साल ही हुए अभी शादी को। दूसरे दमाद की तो अभी दो महीने शादी हुई है। देखिए, जो लोग घायल हुए थे सड़क हादसे में, सालवन सड़क हादसे में, जो दो शख्स बचे हुए थे उन्हें असंध के सामान्य अस्पताल में लाया गया था, और दो जिनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। और अब जो सूचना हमें मिल रही है कि जो दो बाकी बचे थे जिनको करनाल रेफर कर दिया गया था, उनकी भी मौत हो चुकी है। यानी कि जो सड़क हादसा सालवन के अंदर हुआ था आज, उस हादसे में चारों लोगों की बेहद ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। परिवार में मातम छा गया है, परिवार उजड़ ही गया है।